भोपाल की पहचान उसके बड़े तालाब से की जाती है। जी हाँ, 33 वर्ग किलोमीटर में फैला ये बड़ा तालाब भोपाल की पहचान बना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे और भी ज़्यादा बड़ा तालाब भोपाल में बनकर तैयार हुआ था, तो कईयों को तो ये विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। राजा भोज ने इस बड़े तालाब का निर्माण कराया था, जो कि लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। जी हाँ, उस बड़े तालाब के सामने वर्तमान का जो बड़ा तालाब है वो बिल्कुल बच्चा था। वर्तमान का बड़ा तालाब 33 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि जो उस समय बड़ा तालाब तैयार कराया वो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उस समय पे राजा भोज भोजपुर के मंदिर का निर्माण करा रहे थे। तब भोजपुर के मंदिर के निर्माण से पहले राजा भोज ने योजना बनाई कि एक बड़ा कुंड तैयार किया जाएगा, और उस कुंड को उन्होंने नाम दिया भीमकुंड। ये भीमकुंड ही है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और इसको तैयार करने के लिए 9 अलग अलग स्थानों की नदियाँ जोड़ी गई, ताकि इसमें पानी बहा के लाया जा सके। कहा जाता है कि इस भीमकुंड में लगभग 5 वर्ष का समय लगा जब पानी भरा, और उसके बाद ये भीमकुंड बनकर तैयार हुआ। ओसंग शाह नाम के एक आक्रांता ने इस बड़े तालाब को नष्ट कर दिया, और जो भीमकुंड था उसका पानी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये भोपाल के असली बड़े तालाब का इतिहास है, जिसका नाम था भीमकुंड।